ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी व निचले इलाके बारिश से सरोबर हो गए हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल शाम से ही बर्फ हो रही है। रोहतांग दर्रे में 2 फीट ताजा बर्फबारी हुई है। जिला शिमला के कुपरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, बागी, मड़ोल, कदराला, चांसल, चूड़दार के साथ किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हो रही है। दौलादार की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। बारिश व बर्फबारी के कारण प्रदेश में शीत लहर बढ़ गई है। प्रदेश में मौसम ने करवट बदली और ऊंची पहाड़ों पर बर्फबारी व निचले इलाके बारिश से सराबोर हुए। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल शाम से ही बर्फबारी हो रही है। रोहतांग दर्रे में 2 फीट ताजा बर्फबारी हुई है। जिला शिमला के कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, बागी, मड़ोल, खदराला, चांसल, चूड़दार के साथ किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हो रही है। दौलादार की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। बारिश व बर्फबारी के कारण प्रदेश में शीत लहर बढ़ गई है। ठंड के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी के कारण 6 माह के लिए लाहौल स्पीति का प्रदेश से संपर्क कट गया है। लाहौल स्पीति के लिए यातायात सिर्फ टनल से ही संभव हो पाएगा। औट लुहरी नेशनल हाईवे पर जिलोड़ी दर्रा पर ताजा बर्फबारी के कारण आवाजाही ठप हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार को पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट और शुक्रवार को 4 जिलों कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश सरकार को खराब मौसम को देखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। प्रदेश में 16 दिसंबर तक मौसम खराब रहने के आसार हैं।